तो अब पुट कॉल पैरिटी, फर्स्ट किया था बायनोमियल, अब सेकंड कर रहा है पुट कॉल पैरिटी, और इसके बाद बीएसएम, बस बात खत्म हो जाएगी। तो भाई ऑप्शन प्राइसिंग चल रहा था हमारा, और अब समझने की कोशिश करेंगे कि पुट कॉल पैरिटी, नाम से ही लग रहा है पुट कॉल पैरिटी। बेटे इसमें क्या है, सिंपल सिंपल सी बात है, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। मान लो बेटे दो मार्केट, ये और एक मार्केट में ये पेपर बिक रहा है, ठीक है, समझना बिल्कुल ध्यान से। सर ये कॉल ऑप्शन की पुट पता नहीं, ये पेपर एक मार्केट में बिक रहा है और दूसरे मार्केट में ये वाला पेपर बिक रहा है। अच्छा खास बात समझ लो, अगर मैं ये पेपर खरीद लेता हूं इस मार्केट से, तो 2 महीने बाद अगर इसको बेचूंगा तो 800 आएगा, बिल्कुल ध्यान। अगर ये वाला पेपर खरीदता हूं ना किसी और मार्केट से, दूसरा वाला, तो उसको भी बेचूंगा तो 800 आएगा। अगर इससे 300 आएगा तो इससे भी 300 आएगा, बिल्कुल ध्यान से। इसका मतलब मैं आपको बस इतना बोलना चाहता हूं, दोनों ही पेपर अगर मैं 3 माह बाद बेचूं, तो दोनों ही पेपर से इससे जितना कैश इनफ्लो आएगा, इससे भी उतना ही कैश इनफ्लो आएगा। तो बस एक बात, सिंपल सी बात है, दोनों का कॉस्ट अलग अलग रहेगा या एक जैसा रहेगा? मैं बोल रहा हूं अगर ये 20 रुपए का मिलता है तो ये भी कितने का मिलेगा, 20 का ही मिलेगा भाई, क्योंकि फ्यूचर में दोनों से पैसा एक जैसा मिलने वाला मुझको। पर अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 20 रुपए का मिल रहा है, ये वाला पेपर 20 रुपए का, और ये वाला पेपर 18 रुपए का मिल रहा है, सर तो फिर क्या करोगे? बिट्टे सिंपल सी बात है, 18 वाला खरीदोगे, टेंशन खत्म। और 18 वाला खरीद कर, पेपर खरीदा 18 का, और जहां ये पेपर 20 रुपए का बिक रहा है वहां बेच देंगे, बात खत्म। तो बस ये कुछ मैं पुट कॉल पैरिटी में समझाने वाला हूं कि जब जब दोनों जगह एक जैसा कॉस्ट लग रहा है, दोनों जगह का कैश फ्लो फ्यूचर में एक जैसा आने वाला है, तो कॉस्ट भी तो एक जैसा रहना चाहिए। पर कहीं का कॉस्ट कम है और कहीं का कॉस्ट ज्यादा है, तो जहां ज्यादा पैसा लग रहा है भाई वहां से क्यों खरीदेंगे, जहां सस्ता लग रहा है वहां से खरीदेंगे। तो से अब समझने की कोशिश करना, पुट कॉल पैरिटी, पुट कॉल पैरिटी में होगा क्या, सिंपल सी बात है, नाम से ही लग रहा है पुट कॉल। तो हम यहां ऐसे कुछ स्ट्रेटजी बनाएंगे किसके हेल्प से, पुट और कॉल ऑप्शन, कॉल और पुट ऑप्शन के थ्रू हम कुछ काम करेंगे, ठीक है सर? और ये मान के चलेंगे कि ये कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन हम खरीदने वाला समझ लो, और दोनों का एक्सरसाइज प्राइस सेम ही रहेगा, ठीक है, और मैच्योरिटी पीरियड भी सेम ही रहेगा, कि कॉल ऑप्शन अगर मैं 2 महीने का खरीदूंगा तो पुट ऑप्शन भी 2 महीने का खरीदेंगे, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि जो एसेट है वो भी सेम रहेगा, रिलायंस रिलायंस, ठीक, एक बार लिखते हैं, एक बार लिखते हैं फिर समझेंगे, ओके। अब मैं लिख रहा हूं, तो ऐसा पहला डॉट ले लेते हैं, फर्स्ट डॉट पहले समझा दूं, पुट कॉल पैरिटी, कॉल पैरिटी, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूरोपियन, लिखते यूरोपियन, यूरोपियन कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, यूरोपियन कॉल ऑप्शन है, यूरोपियन पुट ऑप्शन दोनों ही यूरोपियन होना चाहिए, सेम एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है, ऑन
सिम एसेट, फ सेम मैच्योरिटी पीरियड। तो बात को बस छोटी सी बात है समझना है, बस ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है कि मैं हमेशा मान के चलूंगा पुट कॉल कि यूरोपियन है। यूरोपियन मैं समझा चुका, यूरोपियन मतलब हम ऑप्शन कब एक्सरसाइज करेंगे, हम ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे एंड में, बीच में कभी भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वो अमेरिकन में होता था ठीक है। और कॉल और पुट ऑप्शन दोनों का एक्सरसाइज प्राइस क्या रहेगा, दोनों का एक जैसा ही रहेगा ठीक है। दोनों ही एक ही कंपनी का, चाहे रिलायंस, अगर रिलायंस का कॉल तो रिलायंस का ही पुट, अगर विप्रो का कॉल तो विप्रो का ही पुट। अच्छा सर, और फर्स्ट सेम मैच्योरिटी पीरियड, अगर मैं कॉल ऑप्शन का मैच्योरिटी पीरियड 2 मंथ है तो पुट ऑप्शन का भी क्या होना चाहिए, 2 मंथ्स। अब सुनोगे, अब इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन समझाऊंगा। इक्वेशन ऑफ पुट कॉल पैरिटी, और इक्वेशन है A0 प्लस P0 C0 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ E, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ E। सर ये स्पेसिफिक नोटेशन जो दे रखा है इसका मतलब क्या है, A0 इज इक्वल टू करेंट मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक। सब P0 का मतलब वैल्यू ऑफ पुट, वैल्यू ऑफ पुट, या फिर मैं इसको प्रीमियम बोल सकता हूं, पुट प्रीमियम। सर C0 क्या हुआ, वैल्यू ऑफ कॉल, या मैं इसको कॉल प्रीमियम बोल सकता हूं ठीक है सर। और सर E का मतलब तो हम जानते हैं, एक्सरसाइज प्राइस। दिस स्पेसिफिक, ये जो दे रखा, दिस स्पेशल इक्वेशन ऑफ पुट कॉल पैरिटी। सर करना क्या है बेटे, करना कुछ नहीं है। अगर मैं बोलूं आपसे बिना डेरिवेशन के, डेरिवेशन तो मैं पूरा डिस्कस कर रहा हूं, डेरिवेशन के बिना तो पुट कॉल पैरिटी हो ही नहीं सकता। पर देखो एग्जाम में ना दो टाइप के क्वेश्चन आने हैं। पहला तो मिसिंग फिगर निकालो, मिसिंग फिगर मतलब सर ये दे देगा, ये दे देगा, ये भी दे देगा, कहेगा C0 निकालो, निकाल लेंगे बस, पुट करना आंसर निकालना, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, कहेगा ये निकालो, टाइम पास, उसका कोई रेलिवेंस ही नहीं, कोई एक चीज निकालना होगा जो हम निकाल लेंगे ठीक। दूसरा आएगा आर्बिट्रेज, और आर्बिट्रेज के लिए इसका डेरिवेशन समझना ही पड़ेगा। तो अब हमको देखना है कि ये कैसे डिराइव होता है, ये फॉर्मूला क्या बोलता है, और आर्बिट्रेज क्या होता है। तो पहले मैं आर्बिट्रेज करवाऊंगा, उसके बाद ये मिसिंग फिगर वाला, तो आर्बिट्रेज ज्यादा मजा ज्यादा आएगा आर्बिट्रेज। तो अब मैं आपसे ऐसे बोल सकता हूं, यहां लिख देता हूं पुट कॉल पैरिटी, लिखोगे इक्वेशन ऑफ
पुट कॉल प्रायोरिटी इज डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टू पोर्टफोलियोस वन प्रोटेक्टिव पुट एंड सेकेंड फिड्यूशियरी कॉल. ये समझा रहा हूं बेटे, प्रोटेक्टिव पुट एंड फ्यूडिशरी कॉल. ठीक है सर, अब इसको समझाइए कि पुट कॉल प्रायोरिटी कहां से है. तो अब इसको मिटा देते हैं और समझते हैं. याद रखना फोकस है ये इक्वेशन, और फोकस हमारा किस पे रहेगा, आर्बिट्रेस पे. दोनों ही चीजें समझाऊंगा एक एग्जांपल को लेकर. ठीक है, तैयार हूँ. अब बेटे समझो, बिल्कुल ध्यान से समझना. पोर्टफोलियो बना रहा हूं मैं सर, उसका नाम क्या है, प्रोटेक्टिव ठीक है. अगर मैं आपसे बोलूं ये लो हमारा फेवरेट एक पर्सन है राम. अब राम ने क्या किया, राम ने एक शेयर खरीदा स्टॉक, और स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस रुपीस 560. तो राम ने ना बेटे एक स्टॉक खरीदा, और स्टॉक खरीदा कितने में खरीदा, 560 रुपए में. बोलो बेटे 560 रुपए में, तो किस बात, उसको क्या सोच क्या रहा. वो ये सोच रहा है कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा. सिंपल सी बात है यार, हम स्टॉक क्यों खरीदते, शेयर का प्राइस बढ़ेगा. पर उसको डर है कि कहीं यार कम हो गया तो दिक्कत में पड़ जाओगे, फिर तो लॉस हो जाएगा. तो उस लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए, बढ़ेगा तो बहुत अच्छी बात है भाई, अगर कम हो गया तो बर्बाद हो जाओगे ना. तो पर उस लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने क्या किया यार, क्या किया जाए. तो उसने पुट ऑप्शन खरीद लिया. तो पुट ऑप्शन हम जानते हैं, पुट ऑप्शन में कब फायदा होगा हमको, जब प्राइस गिरेगा. तो बोले बढ़ेगा तो स्टॉक बेच के कमा लेंगे, और गिरेगा तो पुट ऑप्शन है ही हमारे पास, और पक्का पुट ऑप्शन एक्सरसाइज कर लोगे. और अगर बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा पुट ऑप्शन का प्रीमियम ही तो जाएगा. समझना ठीक से मैं क्या बोल रहा हूं. शेयर खरीदा 100%, क्या उम्मीद है, उम्मीद ये है कि यार शेयर का प्राइस बढ़ जाए. पर समस्या कब है, जब शेयर का प्राइस गिरेगा तो हम बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा. तो इस लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने काम किया कि एक पुट ऑप्शन खरीदा, प्रीमियम दे दिया, प्रीमियम 5-10 जितना भी है. तो होगा क्या, हम तो चाहेंगे कि बढ़े, अगर कम भी हुआ तो भी दिक्कत की बात नहीं है, हमारे हमको पैसा मिल जाएगा, पुट ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेंगे. और सर बढ़ गया तो पुट ऑप्शन लैप्स हो जाएगा, भाई प्रीमियम ही तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. तो इसने क्या किया, स्टॉक खरीदा, और इस स्टॉक बढ़ना चाहिए पर कम होना है, कम होने से जो लॉस है ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक पुट ऑप्शन खरीदा. पुट ऑप्शन सर, पुट ऑप्शन में तो प्रीमियम भी तो देना होता है. यस सर, कितना प्रीमियम, बस यही तो मैं अभी थोड़ी देर बाद बता रहा हूं प्रीमियम कितना. एक्सरसाइज प्राइस मन से बोल रहा हूं 575. अभी फायदा दिख रहा है, वैसे तो देखा जाए तो अभी फायदा, इंट्रेंसिक वैल्यू मेरे ख्याल से आप समझदार बच्चे हो.
अब प्रीमियम पक्का 15 से ज्यादा आएगा, पर फिर भी बाद में बात करेंगे। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि अब राम क्या किया, राम ने स्टॉक खरीदा और पुट ऑप्शन खरीदा, कितना एक्सरसाइज प्राइस पे 575। ये कब एक्सरसाइज होगा, जब 575 से नीचे जाएगा। ये राम की सिचुएशन है, इसलिए इसको मैंने कुछ नाम दिया, मैंने दिया प्रोटेक्टिव पुट। पुट ऑप्शन खरीदा है पर लॉस से प्रोटेक्ट होने के लिए खरीदा। अब मैं आपको एक बात बोलता हूं, अब इसका पे ऑफ देखना चाहता हूं। पे ऑफ ठीक है सर, कैसे होगा पे ऑफ जरा देखते बेटे, बिल्कुल ध्यान से समझना, यही बात इंपॉर्टेंट है। अब हो क्या सकता है यार, या तो शेयर का प्राइस बहुत ऊपर जाए 575 से ऊपर देख लेंगे, या तो 575 से बहुत नीचे चला जाए, एक दो प्राइस उठाते और खत्म करते, मतलब कुछ ज्यादा ही ऊपर ले जा लेता हूं। मतलब अगर शेयर का प्राइस, अच्छा पीरियड कितना ले लेते हैं, पीरियड मान लो 1 ईयर ले लो बेटे, 1 ईयर होता नहीं है पर 1 ईयर मुझे सिंपली मतलब जल्दी समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, पीरियड 1 ईयर। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया, या तो स्टॉक का प्राइस 1 साल बाद 800 हो सकता है, या तो स्टॉक का प्राइस 1 साल बाद कोई भी अमाउंट ले लेते 300 होता है, एक बहुत ज्यादा ले लिया एक बहुत कम ले लिया, और मैं राम का पे ऑफ देखना चाहता हूँ कि क्या होने वाला। सर प्रीमियम जा रहा पुट का आपने लिखा नहीं बेटे, मैं अभी नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा रुक जाओ, बस मेरी बात समझो, प्रीमियम को अभी 1 मिनट के लिए इग्नोर करके, ठीक है। अगर 800 हो गया तो क्या होगा, सर राम ने क्या शेयर खरीदा है, हाँ तो उसको बेच देगा, बिल्कुल से सेल करेगा स्टॉक, तो सर पैसे आएंगे 560 रुपए आएगी कि नहीं, नहीं मुझे मिलेंगे 800, 800 रुपए, मैं पे ऑफ की बात कर रहा हूं, 800 रुपए ये मिलेगा। और सर पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन कैसे एक्सरसाइज होगा बेटे, पुट ऑप्शन तो एक्सरसाइज तब होगा ना जब प्राइस बढ़ेगा, हाँ सर, तो पुट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पुट ऑप्शन लैप्स हो जाएगा बस, तो उसका पे ऑफ कितना आ रहा है 800, 800 रुपये मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और सर शेयर का प्राइस 300 हो जाए तो बेटे शेयर बेचना पड़ेगा दुख के साथ, सेल स्टॉक, सिर्फ 300 रुपये में बिकेगा शेयर, बिल्कुल सही। पर सर हम ना पुट ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेगा राम, यस पुट ऑप्शन एक्सरसाइज, पुट एक्सरसाइज लिख दूं चल जाएगा, तो कितना मिलेगा 575 -300 275, तो इस सिचुएशन में कितना मिलेगा 5 से, हालांकि लॉस है पर ठीक है, उसका सोच रहा है कि हम ऐसा कर लूं तो गिरने से थोड़ा सा लॉस है चल जाएगा। अब राम बोल रहा कि यार, पर उसको मालूम है ना बढ़ेगा, ये तो प्रोटेक्ट करने के लिए, भैया ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए किसी, अगर 200 भी होगा ना तो 575 ही आएगा। यहाँ शेयर का प्राइस आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि मुझे 575 मिलेगा ही मिलेगा। खैर अभी इस मैटर पे बात नहीं करता, मैंने दोनों प्राइस लिख दिया, आप यहाँ 200 लेकर भी ट्रायल मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब ऐसा है, राम को एक बात कंफर्म हो गई है कि अगर मैं स्टॉक खरीदूं और पुट ऑप्शन खरीदूं तो शेयर का प्राइस 800 हो गया तो इतना 800 मिलेगा मुझे, अगर शेयर का प्राइस 300 हो गया तो मुझे 575 मिलेगा, ठीक है। इट मीन्स बिल्कुल ध्यान से देखो, अगर शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो जितना बढ़ेगा उतना तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, 900 हुआ तो 900 मिलेगा, 1000 हुआ तो 1000 मिलेगा। अगर शेयर का प्राइस कम हो जाता है, 300 हो जाता, 200 हो जाता, कुछ भी क्यों ना हो जाता, 575 मिलेगा ही मिलेगा, 575। आप चाहो तो दूसरा प्राइस लेकर ट्रायल मार सकते हो। सर हम खुद ही मार के देखें क्या, अगर यहाँ प्राइस 300 नहीं होता, अगर यहाँ स्टॉक का प्राइस 200 होता तो क्या होता, तो शेयर बेच देते, कितने का बेचते 200 का, और हम पुट ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेते और यहाँ 200 आ जाता तो यहाँ 375 आ जाता, तो फाइनली कितना आ जाता, फाइनली 575 ही आता। तो बस इतनी बात समझने की कोशिश करो, अगर शी हुआ तो 575 मिलेगा ही मिलेगा, प्रोटेक्टिव पुट, ठीक है।
यहां तक तो ठीक है। तो राम बहुत खुश है। अब राम खुश है तो बेटे और एक पर्सन ला रहा हूं मैं पिक्चर में। सर कौन? श्याम। और ये भी एक पोर्टफोलियो बनाना चाहता है बेटे। ये एक मेरा पोर्टफोलियो बना, पोर्टफोलियो नंबर वन। पोर्टफोलियो नंबर वन ठीक है। अब और एक पोर्टफोलियो बनाना जा रहा हूं, पोर्टफोलियो नंबर टू, जिसका नाम मैंने आपको बताया है, कुछ अजीब सा नाम है, और नाम है ऐसा फ्यूडिशरी कॉल। पोर्टफोलियो नंबर टू। सर कौन है इसका नाम? इसका नाम है श्याम। अब श्याम क्या कहता है? श्याम बेटे सुन रहा है राम की। राम बोल रहा, देखो वो समझा रहा कि देखो 800 रुपए हुआ तो मुझे 800, 200 भी हुए, कम भी हुआ तो मुझे 575 मिलना। श्याम कहता, सुनो भाई, यही जो आप काम कर रहे हो यही मैं भी काम कर सकता हूं। हाँ, मैं आपने जो स्टॉक और पुट किया ना, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं किसी और तरीके से करूंगा, और मैं किसी और तरीके से करूंगा। और फाइनली एक बात बताऊं, आपका जो पे ऑफ आएगा मेरा भी वही पे ऑफ आएगा। सर वो करेगा क्या? देखो बेटे, ये क्या करने वाला है श्याम, ये क्या देखता है? ये देखता है यार, मैं भी क्या है, कॉल ऑप्शन देखूंगा, कॉल ऑप्शन खरीद लेता हूं। कॉल ऑप्शन सर, यहां भी तो प्रीमियम देना पड़ेगा। हाँ, एट एक्सरसाइज प्राइस। और एक्सरसाइज प्राइस कितना है? 575। और कॉल ऑप्शन कब एक्सरसाइज होगा? जब 575 से ऊपर जाएगा। ठीक है, कॉल ऑप्शन खरीद लिया। सर इसके अलावा क्या करेगा? अब इसके अलावा बिल्कुल ध्यान से समझना, वो क्या काम करेगा? वो जीरो कूपन बॉन्ड, सर जीरो कूपन बॉन्ड जिसका फेस वैल्यू हो एक्सरसाइज प्राइस, ऐसा बॉन्ड खरीदेगा। सर क्यों? हाँ, ये एक समस्या। ये क्यों का जवाब दूंगा मैं आपको, सुनना ध्यान से। क्या करेगा वो? खरीदेगा जीरो कूपन बॉन्ड्स। ठीक है, अभी बस सुनते जाना मेरी बात, मैं आपको रीजन, हर चीज का रीजन बताऊंगा। सर जीरो कूपन बॉन्ड्स में होता क्या है? जीरो कूपन बॉन्ड्स में होता क्या है? बॉन्ड्स खरीदो के आज, बीच में कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सीधा पैसा लास्ट में मिल जाएगा आपको। अच्छा, आज हम डिस्काउंट पे खरीदेंगे और मैच्योरिटी एक्सरसाइज प्राइस पे होगी, मतलब बॉन्ड्स की तरह है। बॉन्ड्स जैसे होता है ना कि यार मुझे 100 रुपया चाहिए, एक्सरसाइज प्राइस है 100, तो मुझे इन्वेस्ट 100 नहीं करना पड़ेगा, 100 से कम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? हम खरीदेंगे जीरो कूपन बॉन्ड्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स ठीक है सर। सर कितना रुपए एक्सरसाइज प्राइस का, कितने रुपए का बेटे, और कितना इन्वेस्ट करेंगे? सुनो, बॉन्ड कितने वाला खरीदोगे? 575 का प्रेजेंट वैल्यू। सपोज 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 क्वेश्चन के सबसे रिस्क फ्री रेट है 10% पर एनम। तो हम जो पैसा लगाएंगे, एक्सरसाइज प्राइस कितना? 575 डिवाइडेड बाय 1.10। 575 डिवाइडेड बाय 1.10, तो बेटे ये आ गया 522.72। इतना रुपया मैं बॉन्ड्स में लगा दूंगा, इतना रुपया मैं बॉन्ड्स में लगा दूंगा। कितने के हिसाब से? 10% के हिसाब से। तो एक साल बाद मुझे 575 मिलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक तो मैं कॉल ऑप्शन खरीद रहा हूं, दूसरा जीरो कूपन बॉन्ड्स में पैसा लगा रहा हूं। अब सवाल ये होता है कि क्यों पैसे लगा रहे हो? और लगा रहे हो, चलो बॉन्ड्स खरीद लो भैया, बहुत अच्छी बात है, इतना ही क्यों लगा रहे हो? प्रेजेंट वैल्यू मैंने क्या किया? एक्सरसाइज प्राइस का प्रेजेंट वैल्यू, ऐसा क्यों कर रहे हो? उसके बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन ये है भाई, सबके अपनी अपनी ओपिनियन है, अपने अपने मतलब अपने अपने हिसाब से बोल रहे, पर फिर मैं तीनों बता देता हूं। पहला ये बोला जा रहा है कि देखो कॉल ऑप्शन का बुक में क्या डेफिनेशन लिखा है,
कि हम फ्यूचर में शेयर खरीदेंगे, कॉल ऑप्शन मतलब राइट टू बाय। तो श्याम अगर फ्यूचर में शेयर खरीदेगा 575 का, तो पैसे कहां से आएंगे? फ्यूचर में शेयर खरीदना पड़ेगा ना 575 एक साल बाद, तो उसके लिए पैसों का अरेंजमेंट क्यों ना आज ही कर लिया जाए। और 575 का प्रेजेंट वैल्यू 522.72, इन पैसों का अरेंजमेंट करना 575 मुझे चाहिए एक साल बाद, क्योंकि 575 लगेंगे शेयर खरीदने के लिए। तो क्यों ना पैसों का अरेंजमेंट आज ही कर ले, और ये पैसे का हम बॉन्ड्स खरीद लेते या पैसा जमा कर देते, ऐसा भी बोलते लोग, पैसा जमा कर देते बैंक में, तो एक साल बाद तो मुझे 575 मिलेगा और मैं शेयर खरीद के ला। एक ये भी लोगों की राय है कि ये भी है ठीक, वो भी सही है। दूसरा जरा देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको और इसको इक्वेट करने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा रीजन ये बताया गया कि अगर यहां देखो तो यहां स्टॉक खरीद रहे हो और पुट ऑप्शन खरीद रहे हो, शेयर भी खरीद लो पुट ऑप्शन भी खरीद रहे हो, और इसको मैं कंपैरिजन किससे कर रहा हूं, इससे कॉल ऑप्शन। तो बस एक समस्या है कि यहां जो पैसा जा रहा है यहां तो बहुत सारा जा रहा है, और यहां मैं सिर्फ कॉल ऑप्शन खरीदूंगा तो बेटे कंपैरिजन कैसे हो पाएगा? मुझे यहां लिवरेज का इफेक्ट पड़ा, यहां ज्यादा है इनिशियल, तो यहां भी मुझे तभी तो इनका कंपटीशन हो पाएगा। एक ये भी रीजन है कि भाई यहां सिर्फ और सिर्फ कॉल नहीं हो सकता, कॉल के साथ तो आपको कुछ रखना ही पड़ेगा। अब और एक रीजन क्या हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूं श्याम क्या चाहता है। श्याम ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहता है कि उसको पे ऑफ राम के बराबर मिले, राम के बराबर मतलब राम को जितना पैसा मिल रहा है श्याम को भी उतना पैसा मिले। अगर शेयर का प्राइस 800 हो गया तो बताओ राम को कितना मिल रहा है, 800, तो श्याम सोच रहा मुझको भी तो 800 मिलना चाहिए। अगर शेयर का प्राइस 200 हो गया तो मुझको भी 575 मिलना चाहिए, श्याम कुछ ऐसा करना चाहता है। तो श्याम क्या सोच रहा, श्याम सोच रहा देखो यार अगर शेयर का प्राइस 800 हो जाए, बिल्कुल ध्यान से समझना 800, ये मिटा दूंगा, बस समझ रहा है कि हमने ऐसा क्यों किया। तो ये बोल रहा है अगर शेयर का प्राइस 800 हुआ तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा, बिल्कुल सही। तो मुझे कितना मिल जाएगा, 575 से ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन है, 800 माइनस 575, तो देखो 225 तो ये मिलेगा मिलेगा, और कुछ पैसा मैं कहीं इन्वेस्ट कर देता हूं ताकि विथ इंटरेस्ट मुझे, भैया राम को 800 मिल रहा तो मुझको भी 800 मिले, तो वो मुझे ना कितना पैसा इन्वेस्ट करना है ये निकालना है। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो 800 माइनस 225, 575 ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1.10 तो कितना आएगा 522 है ना। मैं ना राम से कंपटीशन कर रहा हूँ ना, तो भैया राम को जितना मिल रहा है मुझे भी तो 800 ही मिलना चाहिए, तो 225 तो कॉल ऑप्शन पे आ जाएगा और कुछ पैसा इन्वेस्ट करूं, तो वो निकाल लिया। अच्छा शेयर का प्राइस अगर 200 हो जाए तो भाई मैं कुछ नहीं चाहता, राम को 575 तो मुझे भी 575, तो बताओ पुट ऑप्शन मेरा कॉल ऑप्शन क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा अगर, तो यहाँ 0 प्लस कुछ पैसा इन्वेस्ट करूं कि मेरा भी आंसर कितना आ जाए 575। तो हालांकि यहां क्या आएगा, एक्स की वैल्यू वही आ जाएगी 522.72। तो एक रीजन ये भी हो सकता है, बहुत सारे रीजन है, एक रीजन ये भी हो सकता है बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का, और बॉन्ड में कितना रुपया इन्वेस्ट करने का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस, कि भैया उसका पे ऑफ उसको जितना मिल रहा है मुझे भी उतना चाहिए, ऐसा मुझको पोर्टफोलियो बनाना है। यहां तक हमारी बात समझ में आ जाएगी। तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली इन्वेस्टमेंट हो गया 0 कूपन बॉन्ड्स में 522.7। अब क्या होगा, अब या तो शेयर का प्राइस 800 होगा या तो शेयर का प्राइस 200 होगा, दो ही बातें हो सकती हैं। अब की बार में किसका पे ऑफ निकालूंगा, श्याम का, ठीक है। अगर शेयर का प्राइस 800 होगा तो देखते क्या होगा, श्याम की बात करना, क्या श्याम कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा? हाँ भाई हाँ, कॉल ऑप्शन
एक्सरसाइज तो कितना मिल जाएगा कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करने पे? 800 माइनस 575, 225 रुपए तो ये मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या मिलेगा? इसके अलावा भाई मेरा जीरो कूपन बॉन्ड में इन्वेस्ट था, यस, तो उसका भी तो पैसा मिलेगा। जीरो कूपन बॉन्ड्स का इन्वेस्टमेंट था ना आपका? हाँ, कितना इन्वेस्ट था? 522.72। उसका इंटरेस्ट मिलाकर मुझे 575 मिल जाएगा। तो बताओ बेटे कितना मिलेगा? हमको तो 800 रुपए ही मिलेगा। अच्छा, अगर शेयर का प्राइस 200 हो जाए तो तब दिक्कत की बात है। कॉल ऑप्शन क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा, जीरो। पर जीरो कूपन बॉन्ड से तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। जीरो कूपन बॉन्ड्स कितना मिलेगा? हमको मिलेगा 575। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 575। अच्छा सर, तो ये बात है। अब देखो बेटे, दोनों ने ही पोर्टफोलियो बनाया, और अगर शेयर का प्राइस 800 होता है तो इसको भी 800 मिलेगा और इसको भी 800 मिलेगा। अगर शेयर का प्राइस 200 होता तो इसको भी, राम को भी 575 मिलेगा और श्याम को भी 575 मिलेगा। अब दोनों का कंपटीशन चल रहा है। एक बात तो कंफर्म हो गई, एक बात कंफर्म हो गई कि भाई राम, आपको जितना पैसा मिलेगा एक साल बाद, मुझको भी उतना ही मिलेगा। आपका पोर्टफोलियो का तरीका अलग है, मेरा पोर्टफोलियो का तरीका अलग है, ठीक। बस अब एक समस्या। अच्छा, एक बात बता रहा हूं, मैंने जीरो कूपन बॉन्ड को जो डिस्काउंट किया वो रिस्क फ्री से किया, क्योंकि मालूम है रिस्क फ्री का मतलब आप अच्छे से जानते हो, रिस्क फ्री से डिस्काउंटिंग होगा कि जीरो कूपन बॉन्ड्स की वैल्यू शेयर की प्राइस पे डिपेंड नहीं करती, ये तो पक्का मुझे मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए डिस्काउंटिंग रिस्क फ्री पे होगा। अब बस सुनो, अब दोनों खुश, ये भी खुश, बोलता वाह मुझे भी इतना मिलेगा, ये भी खुश कि यार मुझे भी मिलेगा, दोनों का पैसे एक जैसा। अब बस एक समस्या, इधर कितना पैसा आज खर्च करना पड़ेगा राम को ये कमाने के लिए, और इसको कितना खर्च करना पड़ेगा, बस ये चीजें मुझे निकालनी। अगर राम कह रहा है कि यार मुझे ना, मुझे कुछ ही पैसे खर्च करना, मुझे मन से बोल रहा हूं, मन से 580 रुपए खर्च करना पड़ा टोटल मिलाकर, ये बोल रहा मुझे तो सिर्फ 580 रुपए खर्च करना पड़ रहा है भाई, इतना मिलेगा। और श्याम कह रहा है कि मुझे ना इसके लिए ये लो सिर्फ 570 रुपए खर्च करना पड़ रहा है। वाह बेटे, कौन खुश हो जाएगा? श्याम, क्योंकि श्याम को सिर्फ कितना खर्च करना पड़ा? 570 रुपए, उतना ही पैसा मिलने वाला जितना राम को मिलेगा। हाँ, तो अब किस में ज्यादा फायदा है? सर फिर तो इस पोर्टफोलियो में ज्यादा फायदा है, क्योंकि इसमें पैसे कम लग रहे हैं, इसमें पैसे ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब? आर्बिट्रेज, ये समझाऊंगा 580 570 कहां से आएगा, आराम से सुनना। आर्बिट्रेज क्या होगा? आर्बिट्रेज में होगा कि कुछ नहीं, जहां पैसे ये सस्ता पड़ रहा ना, तो हम फ्यूडिशियरी कॉल खरीदेंगे, ये पोर्टफोलियो परचेज करेंगे 570 में खरीदेंगे, और राम से बोलेंगे चलो भैया ये खरीद लो हमसे 580 में। हमने कोई चीज जहां सस्ता मिल रहा वहां से खरीदेंगे, और जहां महंगा बिक रहा है वहां बेच देंगे, कितना कमा लेंगे? 10 रुपए। सर अगर ये 590 होता तो फिर कुछ बड़ी सिंपल सी बात है, फिर ये वाला पोर्टफोलियो खरीदेंगे 580 का, और इधर जाके बेच देंगे 590 का, तो कितने का फायदा हो जाएगा? 10। एक कॉन्सेप्ट समझ लेना, इसका मतलब सर दोनों का प्राइस एक जैसा होना चाहिए। हाँ भाई हाँ, दोनों का प्राइस एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि दोनों का पे ऑफ एक जैसा, नहीं तो आर्बिट्रेज हो जाएगा ना यार। हाँ, तो अब इसमें क्या हो रहा है अब समझो सर, इसका मतलब है बताओ यहां मेरा आज कितना पैसा जाएगा, आज कितना पैसा जाएगा प्रोटेक्टिव पुट में? सर हम शेयर खरीदेंगे कितने में? 560 में। तो आज शेयर की प्राइस को मैं क्या बोल सकता हूं? ए जीरो, ठीक है। सर हम पुट ऑप्शन भी खरीदेंगे, यस, तो प्रीमियम भी तो देना पड़ेगा। हाँ बेटे, तो और क्या जाएगा मेरे पास से? पी जीरो, ए जीरो, पी जीरो,
पी जीरो मतलब पुट प्रीमियम, आज प्रीमियम देना पड़ेगा, बस इतना ही पैसा जाएगा। और सर ये बताओ शाम क्या पैसा कितना जाएगा? एक तो जीपीटी कॉल ऑप्शन खरीदेगा ही, सी जीरो प्लस बॉन्ड्स खरीदेगा, बॉन्ड्स, और बॉन्ड्स में क्या कितने रुपए का, बोले ये जो है ना एक्सरसाइज प्राइस, उसका प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस। हालांकि ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस को आप ऐसा बोल सकते हो, क्या खरीदोगे आप? बॉन्ड्स, जीरो, जेट सी बी लिख दूं वो ज्यादा अच्छा, जेट सी बी, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जेट सी बी कौन सा वाला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस। तो फाइनली जो इक्वेशन हमारी बनी, मैं बोल रहा हूं इसमें का आज जितना पैसा लग रहा है इसमें भी आज उतना ही पैसा लगना चाहिए, तभी आर्बिट्रेज, क्योंकि पैसा फ्यूचर में एक जैसा आने वाला है, तो इसको इक्वेट कर रहा हूं। फाइनल इक्वेशन ए जीरो प्लस पी जीरो इज इक्वल टू सी जीरो प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस। दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ पुट कॉल प्रायोरिटी, ये इक्वेशन है बेटे, ए जीरो, ये दोनों इक्वेट होना चाहिए, पैसा दोनों जगह एक जैसा लगना चाहिए, अगर इन दोनों में कहीं गड़बड़ है तो पक्का पक्का आप फायदा उठा लोगे। ठीक, तो अभी मैंने पुट कॉल पैरिटी की इक्वेशन आपको समझाया है, और कॉन्सेप्ट बस एक ही चलता है, अगर दोनों जगह फ्यूचर में एक जैसा पैसा आने वाला है तो कॉस्ट भी दोनों की एक जैसी होनी चाहिए, बस इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये पैरिटी बनी। अब बात किसकी होगी? सिर्फ आर्बिट्रेज की, वो आर्बिट्रेज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अब सुनोगे ध्यान से, एक काम करता हूं, कुछ चीजें हटा देता हूं, ये भी हटा दिया। अब बेटे मैं हूं श्याम और मैं पूछ रहा हूं राम से, सुनो राम ये बताओ कि भाई कितना रुपए खर्च करा? अभी तो एक बात है कि आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया प्रोटेक्टिव पुट, आपका भी फायदा एक जैसा पे ऑफ आ रहा है, और मैंने जो किया है फ्यूडिशरी कॉल, मेरा भी पे ऑफ एक जैसा आ रहा, बस आप प्लीज मुझे बताओ कितना पैसा कितना खर्च कर रहे हो वैसे आप? बोले ये बता रहा, देखो साहब एक तो मुझको शेयर खरीदना पड़ा यार, मैंने बाय किया शेयर, तो उसके लिए खर्च आ गया 560। मैंने कहा ठीक है बहुत अच्छी बात है। और बोले मैंने पुट ऑप्शन भी खरीदा, मैंने कहा हाँ। बोले उसके लिए भी खर्च आ गया, मैंने कहा किस चीज का खर्च आया भाई? बोले प्रीमियम देना पड़ा, मैंने कहा कितना प्रीमियम देना पड़ा? 20 रुपए प्रीमियम देना पड़ा। ओहो, मैंने कहा इसका मतलब है कि टोटल आपका खर्च कितना आ गया? बोले खर्च आ गया 560 और 20, आज कॉस्ट पड़ गया 580। मतलब ये पोर्टफोलियो बनाऊं तो मैंने शेयर भी खरीदना पड़ा और मुझे प्रीमियम भी देना, पुट ऑप्शन है ना, तो प्रीमियम भी देना पड़ा, तो टोटल खर्च जो है वो 580 का आ गया। मैंने कहा अच्छा जी ये बात है। अब श्याम भी पूछ रहा है बेटे, सॉरी राम भी पूछ रहा है श्याम से, अच्छा भाई ये तो बताओ जब फायदा हम दोनों का एक जैसा है तो आपको कॉस्ट कितना पड़ा? आखिर आपका भी मैं पता करूं, तो अब बेटे कौन कॉस्ट निकल रहा है? श्याम। तो श्याम आपको कितना रुपए खर्च करना पड़ा? तो बोले ये बता रहा, यार मेरे साथ ये समस्या है बेटे, यहां ध्यान से समझना ये इंपॉर्टेंट है, कितना कॉस्ट पड़ रहा है? 580। अब मैं पूछ रहा हूँ भाई श्याम आपके साथ, बोले देखो मुझको ना यार एक बॉन्ड खरीदना पड़ा, उसमें पैसे लगे। हमने कहा अच्छा कितने रुपए खर्च करना? बोले हम उसमें मुझे ना 522 रुपए 72 पैसे ये खर्च करने पड़े बॉन्ड, जीरो पर, जेट सी बी। हमने कहा अच्छा जेट सी बी लिखता हूँ ज्यादा अच्छा, जीरो कूपन बॉन्ड। मैंने कहा और बताओ? मैंने कहा कॉल ऑप्शन भी तो खरीदा है ना आपने? हाँ हाँ उसका भी बता रहा हूँ। बोले मुझको ना कॉल ऑप्शन भी खरीदना पड़ा, आया। बोले कॉल ऑप्शन का प्रीमियम देना पड़ा,
और प्रीमियम का खर्चा है 522.72। बोले ये खर्चा आया 57.28। तो उस हिसाब से ना यार मुझको भी जो खर्च है वो खर्च आया 580 रुपए का। मैंने कहा यार फिर क्या फायदा, दोनों ही घुस, अब तो दोनों में परफेक्ट कॉम्पिटिशन। भैया आपको भी 580 खर्च करना पड़ा है? राम बोले हाँ। और इसको भी 580 खर्च करना पड़ा? हाँ। और आपका पे ऑफ भी उतना ही आ रहा है जितना मेरा पे ऑफ आ रहा, तो कोई मतलब ही नहीं, फिर तो दोनों कर लो, और दोनों होना भी चाहिए ऐसे। अब श्याम बोलता रुको रुको रुको, यहां तक तो बात सही है। अब सोचो श्याम ने फिर बोले रुक जाओ, कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 57 आ। बेटे अगर मैं आपसे बोलूं, अगर ये 57.28 नहीं होता, मान लो ये सिर्फ 40 ही रुपए होता, तो फिर इसका खर्च कितना आता? 522.72 +40, तो सिर्फ यहां 562.72 खर्च आता। समझना, अब बहुत काम की चीजें, बिल्कुल ध्यान से समझ। अब सोच रहा है श्याम, श्याम सोच रहा है सुनो राम आपको कितना खर्च आ रहा है वैसे। बोले मुझको ना 580 रुपए का खर्च आ रहा है ये पोर्टफोलियो बनाने में, हालांकि इसका भी पे ऑफ वही आएगा जो इसका आएगा। और ये श्याम सोच रहा भाई 580 का खर्च आ रहा है, जबकि मुझको तो, अच्छा ये मन में छुपा के रखा, 562 का ही तो खर्च आ रहा है। बता सकते हो कि श्याम क्या करेगा, कौन सा पोर्टफोलियो खरीदेगा, ये वाला कि ये वाला? तो सर कोई शक ही नहीं है, जहां पैसे कम जाएंगे वो खरीद लेंगे। तो श्याम सोच रहा यार एक काम करता हूं, मैं खरीद लेता हूं ये वाला पोर्टफोलियो, उसका नाम क्या है, फ्यूडेशरी कॉल, ये खरीद लेता हूं। जहां सस्ता मिल रहा वहां खरीदोगे, और जहां महंगा मिल रहा वहां बेच दोगे, यही कॉन्सेप्ट है हमारा। तो बोले मैं ये वाला पोर्टफोलियो खरीद के ये वाला पोर्टफोलियो बेच देता हूं। अब देखो श्याम क्या चाल चलेगा, बस यही मुझे आपको समझाना। तो सिचुएशन क्या आई, मैं पूरी बात डिटेल में समझा रहा हूं। हमारी पुट कॉल इक्वेशन, और पुट कॉल इक्वेशन क्या बोलता है, A0 प्लस सी जीरो सॉरी पी जीरो इज इक्वल टू सी जीरो प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस। S0 स्टॉक का प्राइस अभी कितना चल रहा है सर, 560 प्लस पुट प्रीमियम 20, इसका नाम क्या, प्रोटेक्टिव पुट। उधर की बात करूं C0 कितना है, 40 एक्चुअल में, और ये कितना, 522.72 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस। तो ये इस पोर्टफोलियो को मैंने कुछ नाम दिया था, इसको नाम क्या दिया था मैंने, प्रोटेक्टिव पुट। और इसको क्या नाम दिया था मैंने, फ्यूडेशरी। तो क्या होगा जरा देखते हैं, क्या कम क्या दिख रहा है सर, इधर इसका कॉस्ट कितना आ रहा है। तो लिखते हैं, देखो पुट कॉल पैरिटी आर्बिट्रेज कैसे सॉल्व करेंगे ये समझा रहा हूं। तो पहले आएगा फर्स्ट पॉइंट, कभी भी करोगे इसको सॉल्व तो कैसे करोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्टिव पुट 560 +20 580, कॉस्ट ऑफ फ्यूडिशरी कॉल 40 +522.72।
तो इसका कॉस्ट कितना पड़ रहा था? 562.72। तो हम लोगों को ना पुट कॉल पैरिटी में पहले इक्वेशन लिखना पड़ेगा, इसका कॉस्ट पता करना पड़ेगा, इसका कॉस्ट पता करना पड़ेगा। किसका कॉस्ट कम दिख रहा है? ये वाला। तो इसको किस तरह से लिखो? इसको इस तरह से लिखोगे, एक डॉट लगाओगे, लिखोगे सिंस कॉस्ट ऑफ फ्यूडेशरी कॉल 562.72, इसका कॉस्ट कम है, इज लेस देन कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्टिव पुट। कितना रुपए? 580। हेंस बाय, जिसका कॉस्ट कम होता है वो खरीदेंगे, बाय फ्यूडिशरी कॉल एंड सेल प्रोटेक्टिव पुट। हम खरीदेंगे फ्यूडिशरी कॉल और बेच देंगे प्रोटेक्टिव। अदर क्या खरीदेंगे? एक्चुअल में क्या खरीदोगे? सर हम खरीदेंगे दो चीज, पर क्या खरीदेंगे जरा देखते हैं। एक तो सर हम खरीदेंगे, क्या नाम दिया मैंने? फ्यूडिशरी कॉल, मतलब इधर वाला। हाँ सर, तो खरीदेंगे क्या? कॉल ऑप्शन एट एक्सरसाइज प्राइस कितना रुपया भाई? 575। इस पे प्रीमियम गया, कितना प्रीमियम गया? 40। इसके अलावा और क्या खरीदेंगे? जीरो कूपन बॉन्ड्स। कितना? और जीरो कूपन बॉन्ड्स 522.72। खरीदोगे तो ये पैसा जाएगा, बिल्कुल सही। और क्या किया हमने? और हमने सेल किया, क्या बेचा हमने? हमने बेचा इधर वाला, बेच रहे ये वाला, बेच रहे बेटे ये वाला शेयर। शेयर बेचा मतलब समझ रहे हो ना? मेरे ख्याल से शेयर बेचा मतलब आपको समझ, मैं शॉर्ट सेल की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट सेल आपको आता है कहीं से उधार लेकर बेच देना, उधार लेकर बेचा। सामने वाले को कब वापस करोगे भाई? जिसे शॉर्ट सेल किया उसको बाद में हम वापस कर देंगे मार्केट से खरीद के, यही शॉर्ट सेल होता। मैं समझा चुका हूँ। और सेल किया, सेल का मतलब शॉर्ट सेल, यहाँ तो भी लिख देता हूँ शॉर्ट सेल। कितने में? 560, 560 रुपये में शॉर्ट सेल किया। और इसके अलावा और क्या किया? सेल पुट ऑप्शन एट एक्सरसाइज प्राइस कितना रुपए? एक्सरसाइज प्राइस कितना भैया? पुट ऑप्शन का, पुट ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस है 575। और सर क्या देना पड़ेगा? हो प्रीमियम देना पड़ा। और प्रीमियम कितना देना पड़ा भाई? प्रीमियम हमको देना पड़ा 20 रुपए। ये सारी सिचुएशन कब किया मैंने? आज। अब देखो कि क्या हो रहा है टुडे। इन सारी सिचुएशन पे मेरा पैसा कितना खर्चा हो रहा है? तो सीधी सीधी बात है, जो जो खरीदोगे पैसा जाएगा, जो जो बेचोगे पैसा आएगा। तो पैसा किस पे आएगा?
सर पैसा आएगा हमारा जिस चीज को बेचोगे, तो पैसा आएगा हमारा प्रोटेक्टिव पुट से। प्रोटेक्टिव पुट से शॉर्ट सेल पे आ जाएगा 560 रुपए, और पुट बेचने पे क्या मिलेगा? प्रीमियम। सेल किया पुट, पुट मैंने सेल किया मतलब पुट राइट किया, सामने वाला कब ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा? जब शेयर का प्राइस गिरेगा। तो उस पर प्रीमियम मिला, कितना मिला होगा प्रीमियम? 20। तो सर ये तो वही हो गया ना आपका 580, बिल्कुल सही। और ये प्रोटेक्टिव पुट, ये मैंने क्या किया? मैंने सेल किया। अब बाय क्या किया? मैंने फिड्यूशियरी कौन, तो इस पे क्या होगा? मैंने कॉल ऑप्शन क्या किया? खरीदा, कॉल किया है बाय, तो पैसा जाएगा। कितना पैसा जा रहा है? पैसा जा रहा है 40। और इसके अलावा जेट सी भी जीरो कूपन बॉन्ड में पैसा लगा है, कितना मिल लगा? 570, सॉरी 522.72। ये पैसा आया और ये पैसा गया, तो बोलो कुछ पैसे बचाए कि नहीं बचाए आपने? पक्का बचा होगा, क्योंकि बेटे ये देखो इसकी कीमत कितनी दिख रही है, 580, और ये दोनों मिलाकर कितना दिख रहा है? 562.72। अब देखो श्याम काम क्या कर रहा है, श्याम क्या कर रहा है? वो श्याम इधर वाला खरीद रहा है, 562 रुपए खर्च किया, और इधर इसको बेच दिया महंगे में, यहां से खरीद कर यहां बेचा, तो जेब में कितने आ गए? 562 रुपए का खरीदा, 580 में बेच दिया, तो कितने कमा कर बैठ चुका है? अगर देखो तो कितनी बच गए होंगे पैसे, 580 माइनस 562.72, तो बेटे 17 रुपए 28 पैसे, ये आ गया मेरा इनिशियल कैश इनफ्लोस। श्याम बहुत खुश, बिल्कुल ध्यान से समझोगे, श्याम बहुत खुश। इसलिए खुश क्योंकि श्याम ने कुछ किया ही नहीं, एक पैसे खर्च नहीं किया। सुनो बेटे उसने काम क्या किया, राम के पास गया, राम से बोला कि भैया ये पक्का खरीदोगे? बोले हाँ पक्का। उसने बताया नहीं कि आप मुझको कितना पैसा लग रहा है। उसने श्याम से कहा चलो ठीक है, आपको खरीदना ही है ना शेयर, तो मुझसे खरीद लो, और आपको पुट ऑप्शन खरीदना है ना तो मुझसे खरीद लो। पुट ऑप्शन आप एक्सरसाइज कर लेना ना जब शेयर का प्राइस गिर, बिल्कुल ध्यान से समझ लो। सबसे पहले श्याम को उसने चाल चला, और चाल ऐसी चला उसने पता किया कि यार इधर कितना पैसा लग रहा है, बोले सिर्फ 562। तो वो गया राम के पास, राम से कहा कि यार सुनो अगर आपका दिल यही कर रहा है तो चलो मुझसे शेयर खरीद लीजिए, ठीक है, और मुझसे पुट ऑप्शन भी खरीद लो। आप कब, आपको लगेगा कि शेयर का प्राइस कम होगा ना, पुट ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेना। खुश राम बोलता ठीक है भाई, सारी दुनिया से खरीद रहा हूं तो आपसे खरीद लेता हूँ, क्या फर्क पड़ा? ये लो 580 लो। श्याम, राम ने 580 दिया, बोले ये पकड़ो 580। अब श्याम के पास 580 आया, और 580 को उसने इस तरह से इन्वेस्ट किया, एक तो जीरो कूपन बॉन्ड में पैसा लगा दिया, और एक कॉल ऑप्शन भी खरीद के लग लिया, तो 562 इसमें से खर्च हो गए। अभी भी बच गया कितना रुपया? बच गया 17 रुपए 28 पैसे बचा। अब सुनो श्याम क्या कह रहा है, श्याम बोलता है सुनो इसको रख लो घर में। बोले नहीं, और फ्यूचर में बोले लगेगा ही नहीं, ये हमारा फायदा हो गया, हमने निकाल लिया। और बोले अगर एक साल बाद कुछ गड़बड़ हुआ? बोले कितना भी गड़बड़ हो जाए भाई, मेरा एक रुपया अब जेब से नहीं जाने वाला, ये जो हमने कमाया ना 17 रुपए 28 पैसे, ये कमा चुके हैं, बस बात खत्म। बोले अच्छा एक बार प्रूव कर लेते इसको, बस यही बात बची हुई है, हमने कितना पैसा बचा लिया 17 रुपए 28 पैसे। श्याम गया घर और अपने लॉकर में रख दिया 17 रुपए 28 पैसे, हालांकि वो इन्वेस्ट कर दोगे उस पे कमा लोगे वो अलग मैटर है, वो बाद में डिस्कस करूंगा। 17 रुपए 28 पैसे कमा लिया उसने, बस बात खत्म। अब हम बात पहुंच जाते एक साल बाद क्या होने वाला, चलो देख लेते।
अब बेटे ये आपको दिखाना पड़ेगा एग्जाम, एक साल बाद क्या हो सकता है। हालांकि मालूम है एक साल बाद क्या मेरे जेब से एक भी पैसा जाएगा? नहीं जाएगा भाई, नहीं जाएगा। बस यही मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सर एक साल बाद किसकी बात हो रही है? पूरी बात श्याम की हो रही है, तो मैं श्याम के एंगल से बात करूंगा। या तो शेयर का प्राइस 800 हो जाए या तो शेयर का प्राइस 300 हो जाए। ठीक है, क्या काम कर रखा है ये आपको मैं आपको समझा चुका हूं। श्याम ने क्या काम कर रखा है? श्याम ने ये खरीद के रखा है, ये खरीदा है, ये खरीदा है, ये बाय किया है, ये भी बाय किया है, सेल किया है और सेल किया। क्या सेल किया है? शेयर शॉर्ट सेल। और क्या सेल सेल किया है? पुट। ठीक है, ये सिर्फ श्याम ने ये काम कर रखा है। चलो देखते हैं क्या हो सकता है। अगर शेयर का प्राइस 800 हो जाए तो सोचो क्या होगा, बिल्कुल ध्यान से समझना। अब बस ये लास्ट चल रहा है। अगर शेयर का प्राइस 800 हो जाए तो एक वन बाय वन सोचो, क्या श्याम कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा? यस, कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज, फायदा हो जाएगा। 800 माइनस 575, 225। सर जीरो कूपन बॉन्ड, उससे भी तो पैसा आएगा ना? यस, जीरो कूपन बॉन्ड्स, उससे कितना आएगा? 522 रुपये का खरीदा था, विथ इंटरेस्ट कितना आएगा? 575। ठीक है सर, शेयर, ओहो यार, शॉर्ट सेल किया था ना, किसी से उधार लेकर दे दिया था, तो जिसे शेयर उधार लिया था भैया उसको तो शेयर वापस करना पड़ेगा। हाँ तो सर फिर तो शेयर खरीदना पड़ेगा, बाय शेयर एंड रिटर्न टू स्टॉक लेंडर, स्टॉक लेंडर को वापस करना पड़ेगा ना भाई। हाँ सर, शॉर्ट सेलिंग हमको समझ में आता है, और शेयर तो दुख के साथ खरीदना पड़ेगा। 800 रुपया का खर्चा हो जाएगा यार। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। क्या सर सामने वाला पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा? पुट ऑप्शन कैसे एक्सरसाइज करेगा जबकि शेयर का प्राइस बढ़ गया, तो ये क्या हो जाएगा? लैप्स, जीरो। अब बताओ टोटल पे ऑफ कितना है? 225 आया, 575 भी आया, 800 गया, तो नेट जीरो सर, तो जीरो। हाँ लेकिन श्याम ने ना 17 रुपए 28 पैसे ऑलरेडी घर में रखे, पता है ना, वो तो कमा कर निकल गए सर। अगर तो श्याम का कितना जाएगा शेयर? कुछ नहीं जाएगा भाई, बात ही खत्म हो। उसने इस तरह से स्ट्रेटजी बनाया, 1 रुपया बाद में नहीं जाने वाला। अच्छा अगर 300 हो जाए तो सर, तो क्या कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता, कॉल ऑप्शन हमारा लैप्स हो जाएगा, जीरो। सर जीरो कूपन बॉन्ड से पैसा मिलेगा क्या? यस, वो तो मिलना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। 575 सर। और शॉर्ट सेलिंग पे, ओह यहाँ हमारी खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि अब हम शेयर कितने में उधार, कितने में खरीद के वापस करेंगे? बाय शेयर रिटर्न टू स्टॉक लेंडर। अब हमारे जेब से सिर्फ 300 रुपए जाएगा, 300 रुपए हो गई। सर सामने वाला पुट ऑप्शन भी तो एक्सरसाइज करेगा? हाँ भाई हाँ, पुट ऑप्शन एक्सरसाइज, और सामने वाला एक्सरसाइज करेगा 575 माइनस 300, 275। ये भी मेरे जेब से जाएगा। तो सुनो बेटे, फिर से जयश्री बी का पैसा है 575 पर, इतना गया तो लास्ट में कितना आ गया? जीरो। और श्याम बहुत खुश है, श्याम को मालूम है कि ऐसा ही होने वाला, कुछ भी क्यों ना हो जाए 800 900 1000, इधर 300 200 400, उसके जेब से ना एक साल बाद जीरो ही हो, पैसा कुछ नहीं जाना। तो जो 17 रुपए 28 पैसे कमा लिया मैंने, वो मेरा आर्बिट्रेज कहलाएगा। उसको चाहो तो इन्वेस्ट कर दो एक साल के लिए, उसपे भी कमा लो। अगर एक साल बाद का पूछे तो वो भी मैं बता दूंगा, पर अभी सीधी सी बात है, इट मीन्स इतनी बात समझ में आई कि सर इतनी बात सुनोगे, जहां सस्ता
तो अब अगला वाला पार्ट करना है। अब की बार मुझे थोड़ा सा चेंज करना है, बस सुनना बेटे ध्यान से। अब मैं क्या करने वाला अभी मैं क्या करूंगा बेटे, बस ये थोड़ा सा चेंज करो। सपोज 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 सर, अगर कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 80 रुपए होता तो क्या होता? हाँ, अगर 80 रुपए होता तो इधर का कॉस्ट कितना पड़ता? 522.72 प्लस 80, तो बेटे टोटल कॉस्ट पड़ता 602.72। सर उस कंडीशन में अब सुनो बेटे, अब इधर खर्च कितना हो रहा है 580, और इधर खर्च कितना हो रहा है 6, जबकि दोनों से फायदा एक जैसा है, तो फिर किस में फायदा सर? फिर तो इधर वाला खरीदेंगे। अब श्याम क्या करेगा? अब श्याम चाल चलेगा, वो इधर वाले मार्केट में जाएगा। बोलता क्यों ना मैं भी एक काम करूं, मुझको मालूम है कि इधर पास में दोनों ही बातें श्याम के एंगल से समझाता हूँ, राम है ही नहीं है पिक्चर में, मतलब एक दूसरा मार्केट चल रहा है समझ लो। बोले मैं शेयर खरीद लेता हूँ और पुट प्रीमियम पुट ऑप्शन भी खरीद लेता हूँ, इट मीन्स मैं प्रोटेक्टिव पुट खरीद लेता हूँ, 580 खर्चा आएगा और इसको मैं 602 में बेच दूंगा, तो बताओ मैं कितना रुपया बचा लूंगा, इट मीन्स सस्ता क्या दिख रहा प्रोटेक्टिव पुट। तो सर फिर कैसे करते हैं? फिर देखो सिचुएशन क्या रहेगी, अब मैं आपको सारी सिचुएशन बताता हूँ क्या क्या रहेगी। सिचुएशन ये रहेगी ये रहेगी, तो सबसे पहले इट मीन्स आपको एग्जाम में ये सब कुछ दिया रहेगा, तो सबसे पहला काम क्या करना, सबसे फर्स्ट पॉइंट नंबर वन लिखना, और सबसे पहले लिखना कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्टिव पुट 560 प्लस 20 580, और दूसरा कॉस्ट ऑफ फ्यूडिशरी कॉल 80 प्लस 522.72, दिया जाएगा 602.72। ये काम हो गया। फिर बोलो कौन सा कम दिख रहा है, ये वाला कम, तो फिर आ जाएगा हमारा डिसीजन। सिंस सिंस कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्टिव पुट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ फ्यूडिशरी कॉल, हेंस अब चेक करो प्रोडक्टिव पुट में क्या है। बाय शेयर खरीदोगे तो 560 जाएगा, बाय पुट पुट ऑप्शन खरीदोगे तो 20 जाएगा, सेल जेट सी भी जीरो कूपन बॉन्ड को बेचेंगे। सर कैसे? शॉर्ट सेल मतलब? हाँ सर, शॉर्ट सेल कैसे होगा? जैसे शॉर्ट सेल शेयर का होता, किसी के पास बॉन्ड होगा, उसकी कीमत आज उसने किया होगा इन्वेस्ट 522.72, मैं उससे कहूंगा भैया आपको एक साल बाद विथ इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 575 ही मिलेगा ना, ठीक है मैं दूंगा, आप वो बॉन्ड मुझे दे दीजिए और मैं मार्केट में बेच दूंगा, तो मुझे 520, मुझे मालूम है उस बॉन्ड का पैसा मुझे एक साल बाद। सर इनडायरेक्टली आप कह रहे हो कि आप बोरो करोगे, हाँ ये समझ लो मैं उधार लूंगा, उधार कितना उधार लूंगा 522.72, और फिर विथ इंटरेस्ट कितना जाएगा 575 मैं वापस कर दूंगा।
तो मैंने सेल किया जेट सीवी, सेल का मतलब शॉर्ट सेल। तो सेल करने पे आज मुझे 522.72 मिल गया। बेटे अगर ज्यादा दिक्कत हो ना, इसको बोरो समझ लेना, हम उधार ले रहे हैं। इसके अलावा मैंने सेल किया कॉल ऑप्शन, और कॉल ऑप्शन सेल किया तो 80 रुपए ये भी मिल गया। तो बताओ बेटे नेट इनफ्लो मेरे पास कितना बचा? इनफ्लो आज इनफ्लो कितना? 522.72 आया, प्लस 80 आया, माइनस 560 गया, माइनस और कितना गया, 20 भी गया, 22.72। तो सीधी सीधी बात है, इधर से आया मेरे पास, मैंने जेट सी भी बेचा उधार लेकर, कॉल ऑप्शन बेचा मैंने तो 602 आया, और मैंने वापस इधर वाला खरीद लिया तो 580 गया। तो 602 रुपए लिया और 580 रुपए इधर दे दिया, नेट मेरे पास कितना बचा? 22 रुपीस और 72 पैसा। और मैंने कहा इसको घर में रख के आ जाओ, अब ये पैसा हमारा हुआ, हमको लगना ही नहीं है फ्यूचर में, घर में क्या जाओ इन्वेस्ट कर दीजिए, इससे भी कमाई कर लीजिए। अब क्या होगा 1 साल बाद? 1 साल बाद क्या हो सकता है? या तो शेयर का प्राइस कितना हो जाए 800, या तो शेयर का प्राइस कितना हो जाए 300, आप मन से कुछ भी कर ले सकते, ऐसा कुछ है नहीं। अब देखो क्या क्या होगा, इस एक एक सोचते हैं। सर हमने शेयर खरीदा था तो उसको क्या करेंगे बेटे? बेच देंगे सेल से, और खुशी में बेचोगे, कितने का बिकेगा? 800 का। सर पुट ऑप्शन एक्सरसाइज, पुट ऑप्शन बेटे लैप्स हो जाएगा, पुट ऑप्शन लैप्स 0। सर जेट सी भी, हाँ ये मैं मुझको पे करना पड़ेगा जेट सी भी, क्योंकि मैंने बोरो किया है, अब की बार इन्वेस्ट नहीं है, तो मुझे 575 देना पड़ेगा, सामने वाला एक्सरसाइज कर लेगा, चलो हो जाने दो। कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज, अगर कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा तो उसको कितने का फायदा होगा? 800 माइनस 575, 225 का मुझको नुकसान हो जाएगा, उसको फायदा। तो जोड़ लो बेटे 0, मैं बहुत खुश हूं, मेरा कुछ पैसा घर में रखा हुआ है 22.72, इधर तो मेरा कुछ जाने ही नहीं है। अगर सर शेयर का प्राइस 300 हो गया तो दुख के साथ मुझे शेयर बेचना पड़ेगा, और 300 रुपए आया, पर खुशी खुशी में कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज कर लूंगा? पुट ऑप्शन। सर क्यों पुट ऑप्शन बेटे? मैंने पुट ऑप्शन खरीदा इस बार, ठीक है, तो 575 माइनस 300, 275 का मुझे इधर से भी मिल जाएगा। जेट सीबी का पैसा देना पड़ेगा सर? हाँ भाई, उसको बॉन्ड वापस करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, 575। और सर सामने वाला कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता, कॉल ऑप्शन क्या हो जाएगा? लैप्स, क्योंकि शेयर का प्राइस कम हुआ है, 0। अल्टीमेटली क्या हो गया? 0। अच्छा सर, तो अब जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हमको समझ में आ गई। सबसे पहले हम दोनों का देखेंगे, प्रोटेक्टिव पुट का कॉस्ट निकालेंगे, फिड्यूशियरी कॉल का निकालेंगे, जो कम आएगा उसको खरीदेंगे, जो ज्यादा आएगा उसको बेचोगे, जो पैसा इनफ्लो वो हमारा फायदा हो गया, और फिर पे ऑफ बनाकर दिखा देंगे, पे ऑफ 0 ही आना, बात खत्म। सर ये जो 22 रुपए 72 पैसे है ये तो आपने आज कमाया, पर अगर आर्बिट्रेज करो तो क्या इसको भी इन्वेस्ट नहीं करोगे? बिल्कुल इन्वेस्ट करूंगा। अगर मुझसे बोले कि आर्बिट्रेज गेन कितना, तो ये भी बता सकता हूँ, कुछ बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि 22 रुपए जो 72 पैसे, उसको हम 1 साल के लिए इन्वेस्ट भी तो करेंगे, घर में थोड़ी रखेंगे, और रिस्क फ्री है ये, इस पे हम 10% कमाएंगे, 1.10। तो अगर मैं इसको बोलूं कि कितना हो जाएगा, 22.72 × 1.10, तो आंसर आ जाएगा 25 रुपीज। अगर आर्बिट्रेज गेन पूछे तो हम दोनों ही बता सकते, कि अगर बोलेगा अभी कितने का फायदा, इतना, बोलेगा 1 साल बाद कितने का, इतना, 25, बस और कुछ नहीं है इसमें, बस यही है। आप क्वेश्चन, बाकी वो क्वेश्चन मैं आपको करूँ, कॉन्सेप्ट यही था, पुट कॉल इक्वेशन प्लस मैंने आपको आर्बिट्रेज करवाया, ठीक है।